जय हिंद किसान साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, किसी पौधा की पत्तियां पीली क्यों हो जाती है, आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौधों में पत्तियों का पीले होने का 2-3 कारण होता है साथियों, जिसमें हम बात करें तो नंबर 1 में ज़्यादा पानी यदि आप पौधे को दे देते हैं तब भी पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। नंबर 2, यदि पौधे में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है फिर भी पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। तीसरा, यदि आपके पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तब भी आपके पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ जाती है साथियों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आपको ज़्यादा पानी पौधे में अगर कमी लग रहा है तो उसकी पत्तियाँ आपको पूरा पीली हो जाती है, मतलब ज़्यादा पीलापन उसमें आ जाता है। और जब आपके पौधे में ज़्यादा पानी होता है या तो सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होता है तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है, मतलब धारी उसमें होने लगता है, पूरा पत्ते पीले नहीं होते हैं, धारी करके पीला होना स्टार्ट करता है साथियों। तो आपको करना क्या है, जब पत्तियाँ पीली पड़ती है तो सबसे पहले आपको पानी कंट्रोल करके देखना है। यदि उससे भी अगर नहीं माने आपको तो फिर आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों की इसमें या तो स्प्रे के माध्यम से या तो सिंचाई के माध्यम से आपको पौधे को दे देना है, पौधे आपके तंदुरुस्त हो जाएंगे। इस प्लांट को आप देखिए, यही वाला पौधा है जो आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया गया था साथियों, जिसमें हमने क्या किया, ओरिजिनल वेस्टी कंपोजर द्वारा बना हुआ हमारे पास पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट। पावरफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट कहने का मतलब है उसमें सभी तरह के पोषक तत्व उसमें उपलब्ध हो जाते हैं, और साथ में ओरिजिनल वेस्टी कंपोजर पानी के साथ में मिला करके हमने इसमें 5% 3% पौधे के हिसाब से आप थोड़ा कम ज़्यादा डोज कर सकते हैं, उसका स्प्रे कीजिए। उसके बाद आपका पौधा में धीरे धीरे, मतलब आप 1 हफ्ता 10 दिन 12 दिन वेट कीजिए, उसके बाद चेंज खुद ब खुद आपको पौधे की पत्तियों में दिखाई देने लगेगा साथियों। यदि आप ओरिजिनल वेस्टी कंपोजर की सहायता से जैविक बागवानी या तो जैविक खेती कर रहे हैं तो सभी पोषक तत्व आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है साथियों। केमिकल के बारे में तो मुझे पता नहीं है, इसके लिए आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि केमिकल के बारे में मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं उसका प्रयोग ही नहीं करता हूँ। तो चलिए साथी, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, और अच्छा नहीं भी लगा होगा तो डिसलाइक भी कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।